वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। तो यहाँ पे कह रहा है क्या, इफ़ 1176 इज इक्वल टू 2 to the power a मल्टीप्लाइड बाई 3 to the power b मल्टीप्लाइड बाई 3 to the power c सॉरी 7 to the power c, फाइंड ए बी एंड सी। तो 1176 जो है इक्वल है 2 के पावर कुछ रखेंगे, 3 के पावर कुछ रखेंगे और 7 के पावर कुछ रखेंगे, और तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतना आ जाएगा। इसका कहने का मतलब यही है। तो ए बी सी बताइए क्या होगा, मतलब इसका 2 के पावर क्या लें और 3 के पावर क्या लें और 7 के पावर क्या लें कि मल्टीप्लाई करने पर 1176 आ जाए। ठीक है, तो ये सबसे आसान क्वेश्चन है क्योंकि बस इसको फैक्टराइज करना है और देखना है कि 2 कितनी बार आ रहा है, 3 कितनी बार आ रहा है, 7 कितनी बार आ रहा है। दैट्स व्हाट यू कैन डू इट। ओके, चलिए सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। अब यहाँ पर सब पहले पहले हम क्या करेंगे कि 1176 का फैक्टराइजेशन करेंगे। मतलब कि यहाँ पर देखिए जो 2 है वो 3 टाइम्स आया है और जो 3 है वो एक ही टाइम आया है और 7 जो है 2 टाइम्स आया है। तो हमारा ए बी सी का आंसर यहीं पर पता चल गया कि 3 होगा ए का आंसर, बी का होगा 1 एंड सी का होगा 2। खैर वीडियो को फुल देखिएगा, मतलब यहीं पर कैंसिल मत कर दीजिएगा, प्लीज़ वॉच इट कम्प्लीट, अधूरा काम नहीं करते ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, इसको हम लिखेंगे इस तरीके से, पहले 2 times 2 times 2, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 7 into 7 इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा 2 to the power a मल्टीप्लाइड बाई 3 to the power b मल्टीप्लाइड बाई 7 to the power c। अब इसको हम पावर के फॉर्म में लिखेंगे तो 2 3 टाइम्स आया है फैक्टर में, फैक्टराइजेशन में। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 to the power 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 to the power 1 मल्टीप्लाइड बाई 7 to the power 2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 to the power a मल्टीप्लाइड बाई 3 to the power b मल्टीप्लाइड बाई 7 to the power c। अब देखिए दोनों तरफ का जो एक्सप्रेशन है वो इक्वल तभी होगा जब इसके बेस बराबर हो और पावर भी बराबर हो। दिस इज आवर लॉजिक। सो 2 यहाँ पर देखिए बराबर है, 3 यहाँ बराबर है, 7 भी बराबर है, मतलब कि बेसिस बराबर है। इसका मतलब कि जो पावर्स होंगे, रिस्पेक्टिव पावर्स, वो भी इक्वल होंगे ही होंगे। इट इम्प्लाइज a इज इक्वल टू हो जाएगा 3, b इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू 2। तो दिस इज योर आंसर, दिस इज द वैल्यूज ऑफ a, b एंड c। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन तभी जाएगा जब आप सब्सक्राइब करेंगे। और कोई भी डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।